लगातार जिहड़ियां कांग्रेस हाई कमान दे अंदरों जिहड़ियां खबरां आ रही ने वो यही कह रही ने कि हाई कमान नवजोत सिंह सिद्धू नूं पाउणा नहीं चाहुंदी। हाई कमान नूं पता है कि नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब की राजनीति दे विच की मायने रखते हैं। नवजोत सिंह सिद्धू नूं पंजाब कांग्रेस का प्रधान भी बनाए जाने हाई कमान सोच रही है। हाई कमान नूं कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं सहमत करना बहुत जरूरी होगा। जब नवजोत सिंह सिद्धू मंत्रिमंडल दे विच शामिल सी तां जदों कुछ सच्चियां गल्लां बोलदे ने ते फिर किस तरीके दे नाल सरकार दे विच्चों या मंत्रिमंडल दे विच्चों नवजोत सिंह कढ़न नूं जिहड़े तरीके ने उह वरते जांदे ने, इस करके मंत्रियों के अहुदे बदल दिते जांदे ने। पर इस समय सवाल यही ने कि आखिर हाई कमान कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं नवजोत सिंह सिद्धू बारे सहमत किवें कर सकती है। लगातार जिहड़े कैप्टन अमरिंदर सिंह ने वह सुनील जाखड़ जिहड़े मौजूदा पंजाब कांग्रेस के प्रधान ने उन्हां दे नां दी ही सिफारिश कैप्टन अमरिंदर सिंह करते हैं। एक बार फिर तो स्वागत है जी प्रोग्राम ग्लोबल गलबात दे विच। साडे इस प्रोग्राम नूं तुसीं साडे ग्लोबल पंजाब टीवी अते चैनल पंजाबी टीवी ते देख सकते हो ते इस मौके साडे इस प्रोग्राम नूं तुसीं साडे ग्लोबल पंजाब टीवी दे फेसबुक पेज दे उपर भी लाइव देख रहे हो ते इस दे नाल ही साडे अज दे विषयां दे उपर जिहड़ी साडे नाल गलबात करन दे लई अपने सुझाव रखण दे लई सानू साडे इन्हां नंबरां ते तुसीं फोन कर सकते हो जी। फोन नंबर एक बार फिर तो दस दिंदे आ कि इंडिया दे विच जेकर तुसीं बैठ के सानू कॉल कर रहे हो तां सानू साडे पटियाला स्टूडियो दे इस फोन नंबर ते तुसीं कॉल करो 0175 5000 पूरा 156 यानी 0175 5000 156। तो इस तो अलावा इंडिया तो बाहरों किसी भी दूसरे देश के विचों तुसी बैठ के सानू कॉल करनी चाहते हो तो साडा इंटरनेशनल जिहड़ा कॉलिंग नंबर है जी 888-923-2656 इस ते तुसी कॉल करके सीधा साडे पटियाला स्टूडियो दे विच जुड़ सकते हो ते साडे नाल गलबात कर सकते हो ते अपने विचार रख सकते हो। सो नवजोत सिंह सिद्धू दी इस समय अज जिहड़ी हैगी असीं गलबात कर रहे हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू नूं हुण कांग्रेस हाई कमान किस थां ते फिट करूगी, क्योंकि लगातार जिहड़ियां कांग्रेस हाई कमान दे अंदरों जिहड़ियां खबरां आ रही ने वो यही कह रही ने कि हाई कमान नवजोत सिंह सिद्धू नूं खोणा नहीं चाहुंदी। हाई कमान नूं पता है कि नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब की राजनीति दे विच की मायने रखते हैं ते इस करके किसी भी सूरत दे विच कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी नवजोत सिंह सिद्धू नूं पंजाब कांग्रेस अते कांग्रेस दे विचों खोणा नहीं चाहुंदी। इस करके लगातार खबरें ही आ रही ने कि नवजोत सिंह सिद्धू नूं पंजाब कांग्रेस का प्रधान भी बनाए जाने हाई कमान सोच रही है ते जेकर प्रधान नहीं बनते तो जिस तरीके दे नाल पहलां आख्या जा रहा सी कि उप मुख मंत्री का जिहड़ा अहुदा वह खाली है उस ते भी नवजोत सिंह सिद्धू नूं बिठा सकती है, पर इस दे लई हाई कमान नूं कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं सहमत करना बहुत जरूरी होगा ते इह बहुत औखी गल हाई कमान दे लई होवेगी, क्योंकि सानू सब नूं पता है कि पिछे जदों नवजोत सिंह सिद्धू मंत्रिमंडल दे विच शामिल सी तां जदों कुछ सच्चियां गल्लां बोलदे ने ते फिर किस तरीके दे नाल सरकार दे विचों या मंत्रिमंडल दे विचों नवजोत सिंह कढ़न नूं जिहड़े तरीके ने उह वरते जांदे ने, इस करके मंत्रियों के अहुदे बदल दिते जांदे ने ते जो नवजोत सिंह सिद्धू को लोकल बाडी का जो मंत्री पद सी ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵਿਭਾਗ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹੈ PSPCL ਆ ਉਸ ਦੇ CMD ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰੀ ਆ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਕੋਈ ਖਾਸ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਬੈਠਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਲਈ ਠੀਕ ਸਮਝਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ,
क्योंकि लगातार जिहड़े कैप्टन अमरिंदर सिंह ने वह सुनील जाखड़ जिहड़े मौजूदा पंजाब कांग्रेस के प्रधान ने उन्हां दे नां दी ही सिफारिश कैप्टन अमरिंदर सिंह करते हैं। असी इस विषय पर भी गलबात करांगे नवजोत सिंह सिद्धू ते कैप्टन अमरिंदर सिंह विचकार जो भी इस समय चल रहा है। लेकिन पंजाब दे विच जिहड़ी खतरे की घंटी करोना वायरस ने पैदा की हुई है वो लगातार वज रही है ते लगातार जिहड़ी करोना वायरस दे नां दी एक तलवार है वो पंजाब दे सिर ते भी लटकी हुई है। लगातार कम्यूनिटी स्प्रैड के खतरे वाल साडा पंजाब वध रहा। अज की जेकर गल करिए अज कुछ जिहड़े केस ने वो थोड़े बहुत कल नालों घट आए ने। अज तकरीबन नवे जिहड़े केस ने वो 100 के करीब जिहड़े सामने आए ने ते बाद विच तुहानूं विस्तार दे विच दस्सांगे किस जिले दे विच किन्ने केस आए ने। लेकिन इस मौके साढ़े नाल जुड़ चुके ने इस महत्वपूर्ण विषय पर गलबात करन दे लई डॉक्टर OPS कांडे जो मैंबर ने IMA दे ते साबका कौमी वाइस प्रधान भी ने। सो डॉक्टर कांडे बहुत बहुत स्वागत है जी तुहाडा एक बार फिर तो प्रोग्राम ग्लोबल गलबात दे विच। थैंक यू, सत श्री अकाल। डॉक्टर साहब जिस तरीके दे नाल हुण हालात चल रहे ने जी साडे गवांडी जेकर दिल्ली दे विच ही देख लिया जावे तो दिल्ली दे विच जिस तरह के हालात बने हुए ने तो दिल्ली तो भी काफ़ी लोगों का आना जाना पंजाब तक रोज़ाना ही लग्या रहिंदा तो सरकार कोशिश करती है कि घट्टो घट दिल्ली वाले पास तो लोगों की जिहड़ी एंट्री आ वह होवे। लेकिन जिहड़े हुण केस डॉक्टर साहब पंजाब दे विच आ गए ने उस तुहानूं हुण किवें कंट्रोल दे विच सरकार कर सकती है कि वीकेंड का लॉकडाउन लगाना कि इहदे नाल ही काफ़ी हो सकता है या सरकार नूं होर यतन करने पैणे आ। देखो ये जिहड़ा वीकेंड दा लॉकडाउन है ये तां सरकार ने पता नहीं किहड़े हालत चलाया जी पर मैं समझदा कि लोगों की मोबिलिटी घटनी चाहीदी है जी जिहड़ी लोग ने ना ईवन सरकार जे लाउंदी भी है वीकेंड लावे भावें सारा ला के लॉकडाउन जी पर हुण रात दा कर्फ्यू भी लग्गिया लोगों नूं आपां इह समझाईए कि भाई जो कहिंदे ने कि तुसीं मास्क पाओ जां तुसीं घरों उदों ही बाहर निकलो जो सरदा ही नहीं जी एवं अनसैसरी मोबिलिटी करनी वह भी गलत है ना। लोग की करते देखो हम अजक सारे 5 दिन खुला रहता पंजाब सारा जी तो 5 दिन लोग अनसैसरी तुरे फिर बिना मतलब तो जो सीनियर सिटीजन ने उन्होंने तो घरों वैसे ही बाहर नहीं निकलना चाहिए तो जे कोई हैल्थ एमरजेंसी है कोई ऐसी एमरजेंसी है दैट इज डिफरेंट इशू पर देखो जो आम वैसे ही कहना मैं सैर करने चलिया जी वो तरीका है एवं रात में तुरे फिरते लोग 8 बजे तक होटल खोलने लोकी 11-11 बजे तक तुरे फिरते हैं। ये जी मोबिलिटी है ना पब्लिक जी है सरकार का बड़ा जोर ला रही है CM साहब बार बार कहते हैं भाई मैं थोड़ा बेनती करता एक CM बेनती करता बार बार तुम मान लो भी ये थोड़े वास्ते ही करता CM तो कुछ नहीं मिलना जी लेकिन अपने वास्ते ही करते ना लेकिन साढ़े जो जूनियर बंद जो यंगर जनरेशन है वो ना तो मास्क लाइन मैं देखा मेरे को हॉस्पिटल पेशेंट आ जाते एक पेशेंट ना कई भी 8 बंदे आ गए कही भाई तुम बंदे घटाओ एक नंबर तो मास्क लाओ सारे जाने जी सोशल डिस्टेंसिंग रखो तो नहीं लोग नहीं मानते मोबिलिटी घटाउण अपनी और जिहड़े है सोशल डिस्टेंसिंग हैंड सैनिटाइजेशन और मास्क ये चीजां बहुत इंपोर्टेंट ने बिल्कुल डॉक्टर साहब इस करके असी फेस कर रहे हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब तुसी बिल्कुल जायज गल तुसी आख रहे हो पर असी ये भी देखिए कि जदों पिछे लॉकडाउन जो मार्च महीने के लग्या तो उदों भी लोगों की जी आवाजाई सी इस तरीके रखी सी हालांकि करफ्यू लगाया गया सी ते पंजाब पुलिस ने फिर सख्ती दिखाई तो हौली हौली फिर लोगों ने घर के अंदर बैठना शुरू किया। थोनों नहीं लगता कि हुण जिस तरीके 8 बजे करफ्यू तो लग जाता पर लोगों की जिस तरह तुम भी दस रहे हो असी भी रोज़ाना देख रहे हैं कि हर शहर के लोगों की जी आवाजाई है वो चलती रहती है तो थोनों नहीं लगता कि 8 बजे तो बाद फिर हुण वह वेला आ गया कि जदों पंजाब पुलिस नूं थोड़े निर्देश सरकार नूं देने चाहिए कि भाई सख्ती वरत लो हुण चक्कर है जी सख्ती सरकार भी वरतनी चाहती भी लोगों को इन्ना तंगना क्योंकि सरकार भी चाहती है थोड़ी मोटी इंडस्ट्री चले थोड़ा मोटा काम चले दुकाना चलन लोगों का रोजगार चलता रहे पर लेकिन लोगों को भी साढ़े थोड़ा जिम्मेवार होना चाहिए मैं समझता साढ़े लोग ही जिम्मेवार घट ने बिल्कुल करोना फैल रहे हैं। ठीक है डॉक्टर साहब फिर हुण इस तरह के नाल हुण जिहड़े हालात असी बणदे ने तो फिर इस तरीके दे नाल तां कुछ जिहड़ियां कंपनियां ने बाबा रामदेव ने भी फस गए ने कि वह दवाई बना ली है उन्होंने दावे करके एक ग्लैन मार्क जिहड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी है उन्हें भी फैवी फ्लू का जिहड़ा हैगा कि पेश कीता कि साडे वल्लों जिहड़ी दवाई है असी बना ली है तो थोड़ू क्योंकि तुसी IMA दे विचों तो तुसी की समझदे हो कि जिहड़ियां दवाइयां बनाईयां जा रही ने दावे किए जा रहे हैं
ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਜਿੱਦ ਤੱਕ ਤਾਂ ਫੈਬੀ ਫਲੂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੀ ਐਂਟੀਵਾਇਰਲ ਡਰੱਗ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾਂ ਨਵਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆਤੀ ਇਹ, ਪਰ ਬੜੀ ਕੋਸਟਲੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਸੌਖੀ ਇੰਨੀ ਸਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 103 ਰੁਪਏ ਦੀ ਇੱਕ ਗੋਲੀ, 103 ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੋਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਖਾਣੀਆਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ, 16 ਗੋਲੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ, ਆ ਤੇ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕੋਰਸ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ 10-12 ਹਜ਼ਾਰ ਚ ਪੈਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਚਲੋ ਉਹ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਤਾਂ 16-16 ਹਜ਼ਾਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੀ, ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨੀ ਆਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗੀ ਹੈ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਕਿਹਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੀਤਾ, ਕਿਹਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਬਣਾਈ। ICMR ਨੇ ਰੋਕਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਦੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਵੀ ਰੋਕਤੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਜੀ, ਤੇ ਦਵਾਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਵੀ ਰੋਕਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਵੈਸੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਰਪਸ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਨੀ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਜੀ ਉਹਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਪਤਾ ਨੀ, ਮੈਨੂੰ ਨੀ ਪਤਾ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਠੀਕ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਕੁਛ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨੇਬਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਖਰੀ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰੂੰਗਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਡਰੋ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਰਟੈਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹ 5% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵੱਧ ਸਕਦੇ, ਜੰਗਰ ਲੋਕ ਬੜੇ ਛੇਤੀ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ ਉਵੇਂ ਨਿਕਲੋ ਜਦੋਂ ਸਰੇ ਨਾ ਜੀ। ਦੂਜਾ, ਜੇ ਘਰ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਵੀ, ਜੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਸਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਘਰੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਨਿਕਲੋ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮਾਸਕ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਨੇ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਪਹਿਨੇ, ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਖਾਂਸੀ ਆ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾਂਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਤਾਂ ਮਾਸਕ ਬੜਾ ਮਸਟ ਹੈ, ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਆਓ, ਨੋਬ ਟੱਚ ਹੁੰਦਾ ਘਰ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੈਂਡਲ ਟੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਘਰੇ ਆਓ, ਘਰੇ ਆਉਣ ਸਰ ਆਪਦੇ ਹੱਥ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸੋਪ ਐਂਡ ਵਾਟਰ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋ, ਔਰ ਜੇ ਸੋਪ ਐਂਡ ਵਾਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਬਾਹਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੋਪ ਐਂਡ ਵਾਟਰ ਨਹੀਂ ਅਵੇਲੇਬਲ, ਛੋਟੀ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ ਦੀ ਜੇਬ ਚ ਰੱਖੋ, ਔਰ ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਰਫੇਸ ਟੱਚ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਵੀ ਇਮੀਡੀਏਟ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੰਨੋ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਖਤਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੈਲਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮੰਨੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਇੰਨੇ ਚੰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਝਾਅ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ OPS ਕਾਂਡੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੀ ਅਪੀਲ ਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤੀ ਆ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਸਮਝਣੀ ਪਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਹ ਲੋਕਡਾਊਨ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗੇ ਸੀ ਉਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘਾਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ 2-2.5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਦੇਸ਼, ਸਾਡੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੂਣਾ ਸਿੱਖ ਲੈਣ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਣਾ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਿਆ ਜਾਣਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਤਰਕ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨਿਯਮ, ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ OPS ਕਾਂਡੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨਿਯਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪਾਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਲੋਕ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਮਾਈਲਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਛਣ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਸਕਦਾ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ 14 ਦਿਨ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਈਵਨ ਕਿ ਘਰੋਂ ਵੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਮਰਾ ਕੋਈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਚੁਬਾਰਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਮਰਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਰਹਿਣਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘੁਲ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆ
पंजाब सरकार का सेहत विभाग आ हुण उहने कड़े फैसले कुछ लए ने, इस तरह के हालात जिहड़े आ रहे सी उहनूं देखदिआं सेहत मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू दे जिहड़ा ऐलान कीता कि जेकर हुण एकांतवास दे जे नियम ने जिहड़े उहनां नूं कोई तोड़दा पाया गया तां उहनूं 6 महीनों की कैद भी हो सकती है ते नाल 1000 रुपये का जुर्माना भी सरकार ते सेहत विभाग कर सकदा। सो लगातार असं यही कह रहे हैं कि जिहड़े सरकार सेहत विभाग नियम दसदी है असी सारयां दा फर्ज बनता कि असी उहनां दी पालना करिए। सो साडे नाल इक कॉलर जुड़ चुके ने, बहुत बहुत स्वागत है जी तुहाडा। सत श्री अकाल जी, नाम दस दिओ जी। मेरा हरदास कुमारी जी, मैं डीजल दी पेट्रोल दी गल करनी सी। जदों मोदी साहब जिते सी पहली इलेक्शन दे विच, जदों प्रधानमंत्री बनन तों पहले उदों इह कहिंदे सी कुदरती तेल घट गया रेट, ते कहिंदे मैं खुशकिस्मत हां जिहदे करके रेट घट गया। तुसीं खुशकिस्मत नूं चुनना चाहुंदे हो जां बदकिस्मत नूं? ते मैं ते कहिंदा उदों बदकिस्मत जिहड़े सी बंदे उह चंगे सी, उह जदों तेल दा रेट पिछे वधदा सी उदों ही वधदा सी, पर हुण तेल दा रेट बिलकुल थल्ले लथिया आ ते इह तेल दा रेट बिलकुल थोड़ी गल जायज है जी, बिलकुल। दूजे पासे जिहड़ा नवजोत सिंह सिद्धू वाली गल है जी, ओह मेरे कहना मतलब तुसी आ देख ही लिया, उहनां दे विचार सुन ही लैणे। घर दे भाग जी कहिंदे जोड़ी हुंदे सपन्ने हुंदे ने, ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਜੇ ਚੰਗੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੇ ਕੰਮ ਠੀਕ ਰਹੂਗਾ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਕੈਪਟਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਣ ਦਿੰਦਾ ਬਈ। ਜੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਫਿੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਦੂਜੀ ਲੜਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਆਸਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਕਨਈਏ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੋਦੀ ਨੀ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ, ਓਦਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਕੱਢੇ। ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਕੱਢੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਜਬ ਹੈ ਜੀ ਗੱਲ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਵਿਚਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੰਪਨੀ, ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹੀ ਭਾਜਪਾ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹੀ ਜਿਹੜੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਲੀਡਰ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬੜਾ ਇਹਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ 1 ਰੁਪਏ ਜਾਂ 3 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਆ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਭਾਸ਼ਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਈ ਕਈ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਆਗੂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੇਖ ਕੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਸਿਆਸਤ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਕਿਰਦਾਰ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵਰਗਾ ਜੋ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਕਦੇ ਹੀ ਮਿਲਦਾ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਆਰੋਪ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਅਤੇ ਬੜੀ ਬੇਦਾਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੋ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਹੱਥ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਮਾਨ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਉਹ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਦਲ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਛੇੜਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਚਲੋ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਜਿਤਾਉਂਦੇ, ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੂੰ ਹੁਣ
सुनील जाखड़ की थान पर पंजाब कांग्रेस पार्टी का प्रधान बना दें, पर हुण क्योंकि लग रहा जिस तरीके दे हाईकमान के अंदरों खबर आउंदिया ने, इस करके हुण कैप्टन साहब फिर तो सुनील जाखड़ के ही नां दे नाल सहमति जता रहे हैं। सो आने वाले दिन देखना होगा, खबर तो यह भी ने कि जुलाई अंत तक जिहड़ी कांग्रेस हाईकमान है वो राहुल गांधी नूं एक बार फिर तो ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी का जिहड़ा कौमी प्रधान बना सकती है। सो जेकर इस तरह हुंदा जुलाई के अंत तक राहुल गांधी दोबारा तो कांग्रेस पार्टी के कौमी प्रधान बनते हैं तो हो सकता है कि नवजोत सिंह सिद्धू नूं पंजाब कांग्रेस के कोई चंगी पोजिशन हासिल हो सकती है, क्योंकि राहुल गांधी पंजाब दी कांग्रेस तो भली भांति सुचेत ने, जो राजनीति पंजाब दे विच कांग्रेस पार्टी की हो रही है, जो बाकी विरोधी धिर की राजनीति हो रही है, राहुल गांधी भी बखूबी इसनों समझते होंगे तो उन्होंने भी पता है कि नवजोत सिंह सिद्धू 2022 दियां पंजाब विधानसभा चोणां दे विच कांग्रेस पार्टी के लिए की अहमियत रखते हैं। सो इस तो इलावा करोना वायरस की भी असी गलबात कर चुके हैं, तो दसिया कि 100 जिहड़े लोग ने जी पिछले 24 घंटिया दे विच नवें करोना वायरस के सामने आए हैं, तो पंजाब दे विच करोना वायरस के मरीजों की गिनती है जिहड़ी 5000 तो उपर टप चुकी है, 5056 अज तक जिहड़ी गिनती है वह हो चुकी है, तो पिछले 24 घंटिया दे विच जेकर 100 नवें मामले सामने आए हैं तो 119 मामले अजिहे भी ने जिहड़े ठीक हो के अपने घरां नूं जा चुके ने, यानी कि सेहतयाब ये करोना वायरस के जिहड़े मरीज़ ने 119 पिछले 24 घंटे दे विच ठीक हो के अपने अपने घरां नूं जा चुके ने। एक डिटेल थोनों जांदे जांदे दस दिंदे आ कि अमृतसर साहब के जिले के विच अज 19 नवे केस सामने आए ने, लुधियाणा के विच 13 आए ने, जलंधर के विच 17 ने, संगरूर के विच 19 केस सामने आए ने, पटियाला के विच ठीक है सिर्फ 21 केस सामने आया, तो मोहाली के विच 8 ने, हुशियारपुर के विच 5 मरीज सामने आए ने। तो कुल मिला के होर भी पंजाब के जिले ने जिन्हां दे विच एक एक दो दो तीन तीन मरीज़ सामने आए हैं। सो पिछले 24 घंटिया दे विच पंजाब भर दे विच 100 नवे केस होर आ गए ने, ते 128 जिहड़े मरीज़ ने वो करोना वायरस के कारण अपनियां जानां गवा चुके ने। सो इस तो इलावा एक होर गल करनी बनती है, जिस तरह असी देखिया कि भारत चीन सरहद ते साडे 20 जवान जिस तरीके नाल उन्होंने शहीदियां पाईयां ने, ते उहदे विच साडे 4 जवान पंजाब दे भी सी, ते लेकिन एक होर मंदभागी जिहड़ी खबर आ उह आई है कि कल यानी कि 26 जून नूं लद्दाख दी ही जिहड़ी श्यूक नदी आ उत्थे काम कर रहे यानी कि अपनी सेवा निभा रहे पटियाला जिले दे पिंड मरदाहेड़ी दे लांस नायक सलीम खान मुस्लिम परिवार नाल संबंध रखते सी, इन्होंने शहीदी पाई है, तो इन्हों की जिहड़ी मृतक देह नूं अज पिंड मरदाहेड़ी लिया गया तो उत्थे इन्हां नूं सपुरदे खाक किया गया, तो पंजाब सरकार के जिहड़े कुछ मंत्री सी वह भी खास तौर पर पहुँचे सी शहीद नूं श्रद्धांजलि देण दे लई। सो देखा जाए तो इन्हां पिछले 15 दिनों दे विच साढ़े पंजाब दे 5 नौजवानों ने देश की रक्षा के लिए देश के लिए अपनी जाना कुर्बान कर दतिया ने। सो सलीम खान बारे तो दस दें कि सलीम खान जो 58 इंजीनियर रेजीमेंट के लास नायक सी, ते इना दी जिहड़ी नियुक्ति है फौज के 2014 के भर्ती हुए सी, ते इना दी उम्र सिर्फ तो सिर्फ 24 साल दी सी, ते जदों हुण इना ने शहीदी देश के लिए पाई है। तो सलीम खान जी के पिता भी जनाब मंगलदीन भी रिटायर्ड फौजी सी, ते उन्होंने भी भारतीय फौज के जिहड़ी हैगी है देश की सेवा की है, हालांकि कुछ साल पहला उन्हां दी मौत हो चुकी है, तो इस करके सलीम खान नूं जिहड़ी देश की रक्षा करन दे लई देश की कुरबानी देन दी जिहड़ी गुड़ती है उन्हां नूं अपने परिवार तो ही अपने पिता जी तो ही मिली है। सो इस तरीके दे नाल असी एक अपना होर नौजवान पुत्र पंजाब दा देश ते नाम कर दिता है, तो असी ये भी जिक्र करते हैं कि धन ने वो मावां जिहड़ियां इस तरह का दुख सहन कर लैंदियां ने, क्योंकि देखा जाए तो माँ के लिए एक पुत्र नूं खोना सब तो वड्डा दर्द हुंदा दुख हुंदा, पर देखा जाए तो मरना हर एक ने, मरना उही हुंदा जिसनूं याद किया जाए,
वैसे जो कोई मरता तो उसनू याद नहीं किया जाता, लेकिन बड़े खुशकिस्मत वो लोग होंगे ने, वो नौजवान ने जिन्हों देश की दई कुरबान होने का मौका मिलता, देश के लिए अपनी जान वारन का मौका मिलता, तो उन्होंने नाँ के अगे शहीद लग जाता, तो जिन्हों रही उम्र तक साडा देश याद करता रहा सलाम करता रहा। तो उंज देखा जाए तो मरना हर एक नहीं है, तो अज नहीं तो कल किसी न किसी की वारी है जी आए जानी है। सो बड़ी चंगी गल है कि देश के लिए कुछ कर गुजर के करके जोड़े है शहीदियाँ प्राप्त जिस जोड़े नौजवान करते हैं तो उन्होंने असी सलाम करते हैं, दिल तो उन्होंने धन्यवाद भी करते हैं, तो ये वादा भी करते हैं कि उन्होंने यादा असी अपने दिलों के मन हमेशा तो ताज़ा करके रखांगे। सो दर्शकों अज का ये सफ़र भी साडा इत्थे ही समाप्त हो रहा है। अज शनिवार का दिन है तो हफ्ते का आखिरी दिन है। सो साडे इस हफ्ते के जिहड़े पांच दिन ने पूरे हो चुके ने, अगले हफ्ते दे विच फिर तो अगले मंगलवार साडे नवें हफ्ते की असी शुरुआत करांगे ठीक इस समय 7:30 बजे शाम की, 7:30 to 8:30 बजे तक इस तरीके दे नाल फिर तो तुहाडे नाल लाइव हो के कुछ पंजाब की राजनीति, देश की राजनीति, सेहत सहूलतों के मसले लैके तुहाडे नाल फिर तो जुड़ांगे। सो दो दिन के लिए हुण असी माफ़ी चाहते हैं, तो जिहड़ी हैगी आ मुलाकात है हुण मंगलवार नूं शाम 7:30 बजे तुहाडे नाल फिर तो होवेगी। तद तक दे दी धन्नवाद है जी, ते रब राखा। साडा हर एक प्रोग्राम वेखण ते साडे नाल जुड़न लई सबसक्राइब करो चैनल पंजाबी, ते नोटिफिकेशन लई बैल आइकन वाले बटन ते क्लिक करो।